हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अशोक चौरसिया MD पीडियाट्रिक्स। आज हम कुछ कॉमन प्रॉब्लम होती हैं पेरेंट को अपने बच्चों को लेकर, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही कॉमन समस्या देखने को मिली है कि पेरेंट पूछते हैं कि छोटे बच्चे को, नवजात शिशु, स्पेशली 6 महीने के बच्चे या 1 साल का बच्चा है या 1 साल से ज़्यादा है, तो पानी कब पिलाना स्टार्ट करें, कितना पानी दें, पानी देना है कि नहीं देना है। तो इस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि बहुत सारे पेरेंट का जो कंफ्यूजन है दूर हो जाए। तो पहला ये है कि 0 से 6 महीना यानी 6 महीने से कम के बच्चे को पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसका सीधा सा आंसर है, 6 महीने से कम के बच्चे को पानी नहीं देना चाहिए। दुनिया की हेल्थ के रिलेटेड सबसे बड़ी संस्था WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया का सबसे बड़ी हेल्थ से रिलेटेड संस्था IAP यानी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के रूल के अनुसार बताता है ये कि 6 महीने से कम के बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना है, केवल माँ का और माँ का ही दूध देना है, कोई भी पानी नहीं मिलाना है, पानी नहीं देना है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या गर्मी के दिनों में बच्चे को पानी देना चाहिए? नहीं, अगर 6 महीने से कम का बच्चा है तो गर्मी के समय में भी पानी नहीं देना चाहिए। इसका कारण ये है कि मदर मिल्क में 85% पानी ही होता है, इनफ अमाउंट में पानी होता है, तो बाहर से किसी पानी की जरूरत नहीं होती है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चे को फार्मूला फीड दे रहे हैं यानी हम फार्मूला फीड बना के, मदर को कोई इशू है, मदर फीड नहीं दे रहे, तो क्या उसमें अलग से पानी देने की जरूरत है? तो इसका भी आंसर है, अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है तो पानी नहीं देना है। अगर पानी, बहुत सारे पेरेंट का क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए पानी दे देंगे तो उससे नुकसान क्या है? तो पहला नुकसान ये है कि अगर बच्चे को पानी दे देंगे तो बच्चे का पेट पानी से भर जाएगा, वो दूध को कम पिएगा, जिसके कारण उसका मानसिक और शारीरिक विकास बराबर रूप से सही तरीके से नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, फार्मूला फीड है उसमें हम पानी मिला सकते हैं? तो नहीं, जैसा कि मैंने फार्मूला फीड बनाने का तरीका बता रखा है, उसका एक सेपरेट वीडियो है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। 30 ml में 1 स्कूप पाउडर मिल्क मिलाना होता है, अगर आप उसको डाइल्यूट कर देंगे तो बच्चे का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। अब दूसरी कंडीशन आती है, ये तो 0 से 6 महीने का, यानी अगर हम इसको समराइज करें तो 0 से 6 महीने के बच्चे में सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना होता है, क्योंकि माँ के दूध में इनफ अमाउंट में पानी होता है, लगभग 85% पानी होता है, तो बाहर से किसी तरह का पानी नहीं देने की जरूरत होती है। एक क्वेश्चन बहुत सारे मदर फादर पूछते हैं, बच्चा 3 से 4 बार गीली पोटी कर रहा है तो क्या इस समय बच्चे को पानी देने की जरूरत है? तो इसका भी आंसर है, नहीं, 6 महीने से कम के बच्चे को पानी देने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा ज़्यादा गीली पोटी कर रहा है तो उस कंडीशन में आप WHO ORS बना के, ORS के रूप में देना है, प्लेन पानी या सादा पानी नहीं देना है। अब दूसरी कंडीशन होती है, 6 से 8 महीने के बच्चे, एक बच्चा है जिसकी उम्र 6 से 8 महीने है। अब चूंकि आपको पता है कि 6 महीने के बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग यानी सप्लीमेंट्री फूड स्टार्ट कर देते हैं। सप्लीमेंट्री फूड जो होता है वो सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड में भी, सेमी सॉलिड का मतलब उसमें पानी भी होता है। तो 6 से 8 महीने में अगर सेमी सॉलिड फूड दे रहे हैं प्लस माँ का दूध तो दे ही रहे होते हैं, तो इसमें पानी की जरूरत होती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार अगर कोई बच्चा 6 से 8 महीने का है तो उसको 100 से 120 ml पानी की जरूरत होती है पूरे 24 घंटे में, वो भी गर्मियों के समय में। तो इसमें करना क्या है, अब 100 से 20 ml पानी उसको कैसे देना है, उसको 3 से 4 बार गर्मियों के सीजन में 3 से 4 बार 2 से
एक से दो चम्मच पानी देंगे, एक से दो चम्मच तीन से चार बार पानी देंगे, इसमें उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। क्योंकि 6 से 8 महीने के बच्चे में सेमी सॉलिड फूड लेता है, उसमें पानी होता है, तो बहुत ही थोड़े अमाउंट की पानी की जरूरत होती है। अब दूसरा कंडीशन होता है 6 से 8 से 12 साल का बच्चा है, कोई 8 महीने से 12 महीने का बच्चा है, तो उसमें कितना पानी की जरूरत होती है। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार, अगर कोई बच्चा 8 महीने से 12 महीने के बीच में है तो उसको 150 से 240 एमएल पानी की जरूरत होती है। 150 से 240 एमएल पानी की जरूरत होती है। चूंकि 8 से 12 महीने का बच्चा जो है वो बोलना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देता है, तो वो पानी की डिमांड करता है, या तो वो पानी को इशारे में करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी पानी रखा है, उसने देखा गिलास वाटर, तो इशारा करेगा, या बच्चे बोलते हैं मम, तो मम समझ के मम्मी को कंफ्यूज नहीं होना है कि वो मम्मी को बुला रहा है, वो एक्चुअली पानी मांग रहा है। अगर बच्चा मम मम या पानी की तरफ इशारा करता है और उसकी उम्र 8 से 12 महीने के बीच में है तो उसको पानी देना चाहिए। इस उम्र में 150 से 240 ml पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि 8 से 12 महीने के बच्चा जो होता है वो सेमी सॉलिड के साथ साथ सॉलिड फूड भी लेने लगता है, क्योंकि जो 8 महीने के बाद बच्चे में प्राइमरी दांत आ जाते हैं, तो बच्चे छोटे छोटे फ्रूट को कुतर कर खाने लगता है, यानी सेमी सॉलिड के साथ साथ सॉलिड फूड भी लेता है, तो इस उम्र में थोड़े से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और उसको वो डिमांड यानी जब मांगेगा मम या पानी की तरफ इशारा करेगा तो उसको पानी देना है। अब नेक्स्ट आते हैं टॉडलर, यानी बच्चा 12 महीने से ज़्यादा है, यानी 1 से 3 साल का बच्चा है, तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार उसको 1.3 लीटर पानी पूरे 24 घंटे में जरूरत होती है, यानी एक दिन में 1300 ml पानी की आवश्यकता होती है। इस उम्र में बच्चा अपने आप पानी उसको मांगेगा और पानी देने की जरूरत होती है। तो यानी अगर हम समराइज करेंगे तो 6 महीने से कम के बच्चे को बिल्कुल पानी नहीं देना है, 6 महीने से 8 महीने के बच्चे में 1 से 2 चम्मच दिन में 3 से 4 बार, स्पेशली समर सीजन में यानी गर्मी के दिनों में। 8 से 12 महीने का बच्चा है तो उसको यूनाइटेड स्टेट के अनुसार 150 से 240 एमएल पानी की जरूरत होती है, वो पानी के लिए इशारा करेगा मम या पानी की तरफ इशारा करेगा, उस समय उसको पानी देना है। और 1 से 3 साल की उम्र का बच्चा है तो उसको 1300 एमएल पानी पर डे जरूरत होती है। आई होप कि दिस वीडियो बहुत सारे पेरेंट को हेल्प करेगा, उनको बच्चों से रिलेटेड पानी देना चाहिए, कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, इस चीज़ को आई होप कि बहुत सारे पेरेंट अच्छे से समझ पाएंगे और ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद।